खिलाफ जंग में छत्तीसगढ़ जीत की ओर अग्रसर है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ताबड़तोड़ फैसलों और नीतिगत तैयारियों और अचूक रणनीतियों की बदौलत आज राज्य में कोरोना का संक्रमण फैलने से तो रुक गया है। प्रदेश में 10 में से 9 मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं और आखिर ये सब कैसे संभव हुआ। कई राज्यों में स्थिति बेहद खराब है, तब छत्तीसगढ़ में स्थिति पूरी तरह से काबू में है और बेहतर है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तमाम तस्वीरों में आपको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तैयारियां दिख रही होंगी। दरअसल इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रतिदिन कोरोना के खिलाफ जारी जंग की समीक्षा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, हर एक गतिविधियों पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं, स्वयं ही निगरानी रख रहे हैं। यही नहीं, वे प्रदेश के कोने कोने से लोगों से चर्चा कर हालातों की जमीनी जानकारियां भी जुटा रहे हैं, ताकि किसी भी पीड़ित व्यक्ति तक तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। संकट की इस घड़ी में किसी को कोई परेशानी न हो, लिहाजा वे खुद मोर्चा लेकर कोरोना के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं। आइए आपको बताते हैं कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए भूपेश सरकार किस तरह से काम कर रही है, लॉकडाउन से प्रभावित लोगों का भी किस तरह से ख्याल रख रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रत्येक दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य गतिविधियों से ले रहे हैं जमीनी हालात की जानकारी। वीडियो संदेशों के माध्यम से कर रहे हैं जागरूक। देसी विदेशी मदिरा दुकानें 14 अप्रैल तक बंद करने के दिए निर्देश। डोनेशन ऑन व्हील्स अभियान का शुभारंभ। जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाई जा रही राशन सामग्री। बच्चों की घर बैठे पढ़ाई के लिए ऑनलाइन पोर्टल पढ़ई तुहर द्वार का किया शुभारंभ। डिजिटल प्लेटफॉर्म में आंगनबाड़ी के बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा। सभी जेलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था के निर्देश। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों, दिव्यांगों और बुजुर्गों से भी मिल रहे हैं। वृद्ध आश्रम में यहाँ के हमारे जो वृद्ध जन हैं, उनसे मुलाकात करने में आया था और यहाँ व्यवस्था के बारे में उन्हीं लोगों से जानकारी ली और व्यवस्था से सारे लोग संतुष्ट हैं। यहाँ के भोजन, यहाँ के साफ सफाई और उससे लेकर जो दवाई की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति हो रही है। कह सकते हैं भूपेश सरकार की तैयारी कोरोना पर बेहद भारी पड़ी है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर नियंत्रण की स्थिति है। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री के इन तमाम प्रयासों और जनता से मिल रहे सहयोग से छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण न तो फैलेगा और न कोई कोरोना का मरीज यहाँ पर अब मिलेगा। अगर दो लाइन में कहें तो सीएम भूपेश की मजबूत युक्ति कोरोना से मिल रही मुक्ति। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। शहर में मिले पहले कोरोना।